सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। जयकारा शिरावाली दा बोल सांचे दरबार की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अथ सप्तश्लोकी दुर्गा शिव उवाच। देवी त्वं भक्तसुलभे सर्वकार्यविदायिनि कलो हि कार्यसिद्ध्यर्थम् उपायं ब्रूहि यत्नतः। देव्योवाच शृणु देव प्रवक्ष्यामि कलो सर्वेष्टसाधनम् मया तमेव स्नेहेनाप्यम्बा स्तुति प्रकाश्यते। ॐ अस्य श्रीदुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्रमन्त्रस्य नारायणऋषिः अनुष्टुप्छन्दा श्रीमहाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवता श्री दुर्गा प्रीत्यर्थं सप्तश्लोकी दुर्गा पाठे विनियोगः। ॐ ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती सा बलादा कृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिं शेषयन्तो स्वस्थे स्मृतां मतिमतीव शुवां ददासि। दारिद्र्यदुःखवैहारिणीका तुदण्डा सर्वोपकारकरणाय सदाग्रचित्ता सर्वमङ्गलमङ्गले शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणि नमस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयवस्त्रायिनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। रोगान् शेषान्पंसितुष्टाय रुष्टातु कामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रितायाश्रयतां प्रयान्ति। सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरि एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्दरिविनाशनम्। ॐ श्री दुर्गायै नमः। श्री दुर्गा स्तोत्र शतनाम स्तोत्रम् ईश्वर उवाच। शतनाम प्रवक्ष्यामि शृणुष्व कमलानने यस्या प्रसादमात्रेण दुर्गा प्रीता भवेत् सति। ॐ सति साध्वी भवप्रीता भवानी भवमोचनि आर्या दुर्गा जया चाद्या त्रिनेत्रा शूलधारिणि
पिनाकधारिणी चित्रा चंड घंटा महासभा मनोबुद्धिहंकार चित्तरूपा चिताचिति सर्वमंत्रमयी सत्ता सत्यानंद स्वरूपिणी अनंता भावनी भाव्या भव्या भव्या सदा गति शाम्भवी देव माता च चिंता रत्न प्रिया सदा सर्वविद्या दक्ष गण्य दक्ष यज्ञ विनाशिनी अपर्णानेक वर्णा च पाठला पाठलावती पट्टांबर परिधान कलमंजीर रंजनी अमेय विक्रमा क्रूरा सुंदरी सुर सुंदरी बन दुर्गा च मातंगी मतंग मुनि पूजिता ब्राह्मी माहेश्वरी चंद्री कौमारी वैष्णवी सदा चामुंडा चैव वाराही लक्ष्मी च पुरुषागिरी विमलोत्कर्षणी ज्ञान क्रिया नित्या च बुद्धिदा बहुला बहुल प्रेम सर्ववाहन वाहन निशुंभ शुंभ हरणी महिषासुर मर्दनी मधुकेतव हंत्रेच चंड मुंड विनाशनी सर्वासुर विनाशा च सर्वदानव घातनी सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वास्त्र धारिणी तथा अनेक शस्त्र हस्ता च अनेकास्त्रस्य धारिणी कुमारी चैक कन्या च केशोरी युवती यदि अप्रौढा चैव प्रौढा च वृद्ध माता बलप्रदा महोदरी मुक्तकेशी गौररूपा महाबला अग्निज्वाला रौद्रमुखी कालरात्रिस्तभस्वनी नारायणी भद्रकाली विष्णुमाया जलोदरी शिवदूती कराली च अनंता परमेश्वरी कात्यायनी च सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी ज इदं ब्रह्मणे नित्यं दुर्गा नाम सदाशिवम् नासाध्यं विद्यते देवी त्रिषु लोकेषु पार्वती धनं धान्यं सुतं जायां हयं हस्तिनमेव च चतुर्वर्गं तथा चान्ते लभेन् मुक्तिं च शाश्वतीं कुमारीं पूजयित्वा तु ध्यात्वा देवीं सुरेश्वरीं पूजेत् पर्यावक्त्या पठे नाम सदाशिवम् तस्य सिद्धिर्भवे देवी सर्वे सुरवरेरपि राजानो दासतां जान्ति राज्य श्रियं वा पुण्यात् गोरोचनालक्तककुङ्कुमेन सिन्दूरकर्पूरमधुत्रयेण दीक्षयन्त्रं मिदिना विदिज्ञो भवेत् सदाधार्यते पुरारिः भौमावासा निशामग्रे चन्द्रे शतदिशां गते विलिख्य प्रपटे स्तोत्रं सा भवे सम्पदां पदम् ॐ सभी धर्मप्रेमी भक्तजनों का माँ भगवती जगजननी वैष्णो देवी जी के दरबार में हार्दिक अभिनंदन। इस समय माँ जगजननी वैष्णो देवी जी के प्रातःकालीन आरती का पवित्र समय है। इस दिव्य गुफा के अंदर परम पूज्य पुजारी जी एवं विद्वानों द्वारा वैदिक मंत्रों से माँ भगवती जगजननी वैष्णो देवी जी के पिंडी स्वरूप की षोडशोपचार विधि से पूजा की जा रही है तथा आप सभी धर्म प्रेमी भक्तजन माँ भगवती जगजननी वैष्णो देवी जी के चरणों में बैठकर विद्वानों द्वारा विश्व कल्याणार्थ किए जा रहे श्री मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ का श्रवण कर रहे हैं। विश्व के कल्याण में ही हम सबका कल्याण निहित है। आरती के समय का
बहुत बड़ा महत्व है और हमारा परम सौभाग्य है कि आज माँ भगवती की अपार कृपा से आरती के समय माँ भगवती के चरणों में बैठकर माँ भगवती की स्तुति पाठ करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। इस प्रकार के अवसर जीवन में बार बार प्राप्त नहीं होते। हमारे पूर्व जन्मों में किए हुए पुण्य कर्मों के फलस्वरूप ही हमें इस प्रकार के अवसर प्राप्त होते हैं। जब हमारा मन संसारिक बंधनों से हटकर माँ भगवती के चरणों की ओर प्रेरित होता है, आरती के समय समस्त देवतागण माँ भगवती की आरती में सम्मिलित होने के लिए सूक्ष्म रूप से माँ भगवती के चरणों में उपस्थित होकर करबद्ध स्तुति करते हैं और आरती के समय माँ भगवती के आशीर्वाद के साथ साथ हमें उन सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद भी स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। जिन स्तोत्रों के द्वारा आरती के समय माँ भगवती की स्तुति की जाती है, वे स्तोत्र हमारे जीवन में कल्याणकारी हैं। इन स्तोत्रों का प्रतिदिन पाठ करने से हमारे घर में सुख शांति बनी रहती है, धन धान्य की वृद्धि होती है, रोगों का नाश होता है और जितनी भी आदि व्याधियां हैं वह सब माँ भगवती के इस स्तोत्र पाठ के द्वारा दूर हो जाती हैं। घर में सुख शांति बनी रहती है। सभी भक्तजनों से निवेदन है कि माँ भगवती जगजननी वैष्णो देवी जी के चरणों का ध्यान करते हुए एकाग्र चित्त से श्रद्धा पूर्वक इस पवित्र पाठ का श्रवण करें। अथ देव्या कवचम ओम अथ श्री चंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषि अनुशुभ छंद चामुंडा देवता अंगना सोक्त मातरो बीजं दिगबंध देवता सत्वं श्री जगदंबा प्रीत्यर्थे सप्तशति पाठांगत्वेन जपे विनियोगः ॐ नमः चण्डिकायै मार्कण्डे उवाच ॐ जद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणाम् यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं दिव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुष्व महामुने प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकम् पञ्चमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नव दुर्गः प्रकीर्तिताः उक्तानि तानि नामानि ब्रह्मणेव महात्मना अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतोरणे निशमे दुर्गमे चैव भयार्ता शरणं गता न तेषां जायते किञ्चिदशुभं नृणसङ्करे नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं न हि येषु भक्त्या स्मृता नूनं तेषां वृद्धिः प्रजायते ये त्वां समरन्ति देवेशे रक्षते तान् संशया प्रेतसंस्थातु चामुण्डा वाराही महिषासन इन्द्रेगयसमारूढा वैष्णवी गरुडासन माहेश्वरी वृषारूढा कौमारी शिखिवाहन लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया
श्वेत रूप धरा देवी ईश्वरी विश्वाहना ब्राह्मी हंस समारूढ़ा सर्वा वर्ण भूषिता इत्येता मातरा सर्वा सर्वयोग समन्विता नाना वर्ण शोभाया नाना रत्नोपशोभिता दृश्यन्ते रथमारूढ़ा दिव्य क्रोध समाकुला शंखं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुसलायुधं केतकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च शारङ्गमायुधमुत्तमं दैत्यानां देहनाशाय भक्तानां भयाय च धारयन्त्यायुधानि तं देवानां च हिताय वै नमस्ते अस्तु महारौद्रे महाघोरपराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयविनाशने राहि मां देवि दुःश्रेक्ष शत्रूणां भयवर्धने प्राच्यां रक्षतु मामेन्द्रे आग्नेयामग्नि देवता दक्षिणयावतु वाराहि नैऋत्यां खड्गधारिणे प्रतीच्यां वारुणे रक्षद्वायव्या मृगवाहिनि उदीच्यां पातु कौमारी एशान्यां शूलधारिणे ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षदवस्तां वैष्णवी तदा एवं दश दिशो रक्षे चामुण्डा शववाहन जया मे जाग्रदा पातु विजया पातु पृष्ठदा अजिता वाम पार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता श्रीकामुद्योधने रक्षदुमामूर्धनि व्यवस्थिता मालादरी ललाटे च भ्रुवो रक्षे यशस्वनि त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये जपघण्टा च नासिके शङ्खणि चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोर्द्वारभासने कपोलो कालिका रक्षे कर्णमूले तु शङ्करि नासिकायां सुगन्धा च उत्तरे अष्टे च चर्चिका अधरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती दन्तान् रक्षतु कौमारी कण्ठदेशे तु चण्डिका घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षी चिबुकं रक्षे वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरि नीलग्रीवा वै कण्ठे नलिकां नरकोवरि स्कन्दयोर्गणि रक्षे बाहु मे वज्रधारिणि हस्तोर्दण्डनि रक्षे दम्बिका चाङ्गुलेषु च नखाञ्चुलेश्वरि रक्षे कुक्षो रक्षे कुलेश्वरि स्तनो रक्षे महादेवि मणाशोकविनाशिनि हृदे ललिता देवि उदरे शूलधारिणि नावोच कामनि रक्षे गुह्यं गुह्येश्वरि तथा भूतना कामिका मेढङ्गुदे महिषवाहिनि कट्यां भगवति रक्षे जानुनि विन्ध्यवासिनि जङ्गे महाबला रक्षे सर्वकामप्रदायिनि गोलभयोर्नारसिंही च पादपृष्ठे तु तेजसि पादाङ्गुलिषुषि रक्षे पादारस्थलवासिनि नखादृष्टाङ्गराली च केशाञ्चेवोर्ध्वकेशनि रोमकूपेषु कौबेरि त्वजं वागीश्वरि तथा रक्तमज्जापसामासान्यस्ति मेधांसि पार्वति अन्तराणि कालरात्रिश्च पित्तं च मुकुटेश्वरि पद्मावति पद्मकोशे कवे चूडामणिस्तदा ज्वालामुखी नखज्ज्वालामवेद्या सर्वसन्धिषु शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षे छायां छत्रेश्वरि तदा अहङ्कारं मनोबुद्धिं रक्षे मे धर्मधारिणि प्राणापानो तथा व्यानम् उदानं च समानकम् वज्रहस्ता च मे रक्षे प्राणं कल्याणशोभनम् रथे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च जोगणि सत्त्वं रजस्तमश्चैव रक्षे नारायणी सदा आयु रक्षतु वाराहि धर्मं रक्षतु वैश्वरि दशा कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च रक्षणि गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षे पशुर्मे रक्ष चण्डिके पुत्राण रक्षे महालक्ष्मीर्भार्यां रक्षतु भैरवि पन्थानां रक्षे मार्गं क्षेमकरी तदा
राजभारे महालक्ष्मीर्विजया सर्वदा सुधा रक्षाहीनं तु यस्थानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ती पापनाशिनी परमेकं न गच्छेतो जदिच्छेशवमात्मनः कवचेनाभृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सार्वकामिका जं जं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितम् परमेश्वरमातुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मर्त्यः सङ्ग्रामे स्वपराजितः त्रैलोक्ये तु भवे पूज्या कवचेनामृतः पुमान् इदं तु देव्याः कवचं देवानामपि दुर्लभम् जाप्रगणे प्रयतो नित्यं त्रैसन्ध्यं शर्यानिदा देवी कदा भवेतस्य त्रैलोक्येश्वरराजिता जीवेत् वर्षशतं साग्रम् अपमृत्यो विवर्जिता नश्यन्ति व्याधया सर्वे दूता विस्फोटकादयः स्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चापि यद्विषम् अविचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचरा केचरा चैव जलजाश्चोपदेशिका सहजा कुलजा माला डाकणी शाकणी तथा अन्तरिक्षचरा घोरा डाकिण्यश्च महाबला ग्रहभूतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसा ब्रह्मराक्षसवेताला कूष्माण्डाभिर्वादयः नश्यन्ति दर्शनः तस्य कवचेरिति संस्थिते माणो नेत्रैर्वैराग्यस्तेजो वृद्धिकरं वरं जशसा वर्तते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जपे सप्तशतिर्चण्डिर्त्वा तु कवचं पुरा यावद् भूमण्डलं दत्ते सशेलवनकाननं तावदिष्ठति मे दिन्या सन्तति पुत्रपौत्रिकी देहान्ते परमं स्थानं जत्सुरैरपि दुर्लभम् प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादता लभते परमं रूपं शिवेन समोदते अथ अर्गलास्तोत्रम् ॐ अस्य श्री अर्गलास्तोत्रमन्त्रस्य विष्णुर्ऋषि अनुशुभछन्दः श्रीमहालक्ष्मीर्देवता श्रीजगदम्बा प्रीतये सप्तशतीपाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः ॐ नमश्चण्डिकायै मार्कण्डे उवाच ॐ जयन्ती मङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिनि दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तु ते जय त्वं देवि चामुण्डे जय भूतातिहारिणि जय सर्वगते देवि कालरात्रि नमस्तु ते मधुकेटवमित्रावि विधात्रि वरदे नमः रूपं देहि जयं देहि चशो देहि द्विचो देहि महिषासुरनिर्णासि भक्तानां सुकृते नमः रूपं देहि जयं देहि चशो देहि द्विचो देहि रक्तबीजवदे देवि चण्डमुण्डविनाशिनि रूपं देहि जयं देहि चशो देहि द्विचो देहि शुम्भस्यैव निशुम्भस्य धूम्राक्षस्य च मर्दनि रूपं देहि जयं देहि चशो देहि द्विचो देहि बन्धिताङ्घ्रियुगे देवि सर्वसो वाक्यदायिनि रूपं देहि जयं देहि चशो देहि द्विचो देहि अचिन्त्यरूपचरिते सर्वशत्रो विनाशिनि रूपं देहि जयं देहि चशो देहि द्विचो देहि देव्या सर्वदा भक्त्या चण्डिके दुरितापहे रूपं देहि जयं देहि चशो देहि द्विचो देहि स्तुमद्यो भक्तिपूर्वं त्वां चण्डिके व्याधिनाशिनि रूपं देहि जयं देहि चशो देहि द्विचो देहि चण्डिके सततं जेत्वा मर्चयन्ति भक्तिदा रूपं देहि जयं देहि चशो देहि द्विचो देहि देहि सौवाक्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखम्
रूपं देहि जयं देहि दशो देहि दिशो जयि विदेहि दृशतां नाशं विदेहि बलमुच्चकैः रूपं देहि जयं देहि दशो देहि दिशो जयि विदेहि देवि कल्याणं विदेहि परमाश्रयम् रूपं देहि जयं देहि दशो देहि दिशो जयि सुरासुरशिरोरत्ननिकृष्टचरणेऽम्बिके रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जयि विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जलं कुरु रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जयि प्रचण्डदैत्यदर्पगणे चण्डिके प्रणताय मे रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जयि चतुर्भुजे चतुर्वक्त्र संस्तुते परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जयि कृष्णेन संस्तुते देवि शश्वर्भक्त्या सदाम्बिके रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जयि हिमाचलसुधानाथ संस्तुते परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जयि इन्द्राणी परिसर्वाव पूजिते परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जयि देवी प्रचण्डदोदण्ड दैत्यदर्पविनाशिनि रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जयि देवी भक्तजनो दाम दत्तानन्दोदयम्बिके रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जयि पतनि मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसार महास्तोत्रं वणे नर साधु सप्तशरी संज्ञा परमापनोति सम्पदाम् अथ कीलकम् अथ श्रीकीलकमन्त्रस्य शिवर्षि अनुष्टुप्छन्दः श्रीमहासरस्वती देवता श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थम् सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोग ॐ नमश्चण्डिकायै मार्कण्डे उवाच ॐ विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदीतिभ्यचक्षुषे श्रेयाप्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे सर्वमेकधियानीयान्मन्त्राणामविकीलकम् सोऽपि क्षेमम् वाप्नोति सततम् जाप्य तत्परः सिद्ध्यन्तु चारणादीनि वस्तुनि सकलान्यपि एतेन सुवरां देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति न मन्त्रो नोषधम् तत्र न किञ्चिदपि विद्यते विना जाप्येन सिद्ध्येत सर्वमुच्चारणादिकम् समग्रान्यपि सिद्ध्यन्ति लोकशङ्कामिमामहर कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवमिदं शुभम् स्तोत्रं यै चण्डिकायासु तत्प्नोति सर्वमेवं न संशय कृष्णायां वा चतुर्दश्यामष्टम्यां वा समाहिता ददाति प्रतिग्रहणादि नान्यदेशा प्रसीदति एतं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितम् ज्योतिष्कीलां विदायिनं नित्यं जपति सद्गुणं स सिद्धा सा गणासोऽपि गन्धर्वो जायते नर न चैवाप्यर्थस्तस्य भयं क्वापि हरायते नापवित्यो वशं जाति मृतो मोक्षो भूयात् ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीत न कुर्वाणो विनश्यति ततो ज्ञात्रैव सम्पन्नम् इदम् प्रारभ्यते भुजैः सौभाग्यादि यदिच दृश्यते ललनाजने तत्सर्वम् तत्प्रसादेन तेन जाप्यामिदम् शुभम् शरणयतु जाप्यमाने स्तोत्रे सम्पतिरुच्चकैः भवत्येव समग्रापि तदा प्रारभ्यमेव तत् ऐश्वर्यम् यत्प्रसादेन सौभाग्यरोग्यसम्पदा
शत्रुहानि परो मोक्ष श्रूयते सानगिं जनैः ॐ श्री महिषासुरमर्दिनी स्तोत्रम् ऐ गिरिनन्दनि नन्दितमेदनि विश्वविनोदनि नन्दनुते गिरिवरविन्दशिरोदिनि वासनि विष्णुविलासनि विष्णुनुते भगवते श्रीकण्ठकुटुम्बनि भूरिकुटुम्बनि भूरिकृते जय जय महिषासुरमर्दिनि नन्दकपरदनि धरलसुते सुरवरवरदनि दुर्धरधरदनि चूल विरोधि विरोधि कृता बल चूल करे जुमि जुमिता मर दुन्दु विनाद मोम करे कृत तिग्म करे जय जय मय चादुर मरद निरंजक बर देवि जय सुदे हय निगंक निवास निराजित दोंग विलोचन दोंग जले समर विलोचित जोनित बीज सपद पव जोनित बीज लते शिव शिव जुम्बन जुम्ब मावतर्पित भूत पिशाचरते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्यक मर्दिनि चरसुते रण रण शङ्कर नञ्जन दश परिसुर दङ्कन रत्करणे कनक भृजङ्गर दर्शन जङ्गर दत्पट द्रिङ्गतापटके चतुरङ्ग बलक्ष तिरङ्ग करत् गौरङ्गर दत्पटके जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्यक मर्दिनि चरसुते जय जय जप्य जय जय शब्द परस्तुति तत्पर विश्वसुते जन जन जिन्दिम जिङ्कृत रूपर जिञ्चित मोहित भूतपते नटि नटराज नरी नट नायक नाचित नाचित नरते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्यक मर्दिनि चरसुते हरि सुमना 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 सुमनोर कासिसुते जटरजनी रजनी 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 करवक्षभृते सुनयन विभ्रमर भ्रमर 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 भ्रमराधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकमर्दिनि हरि स्वभावल्लमतल्लिक मल्लकरल्लक मल्लरते सिरसिक मल्लिक 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 भर्गभृते ुल्लसमुल्लसिकारुण तल्लजल्लव तल्ललिते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकमर्दिनि जयसुते भूषण भूत कलानिधि रूप पयोनिधि राजसुते हरि सुरभीषण लाल समानस मोहन मनमत राजसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकमर्दिनि जयसुते कमल चरामर कोमल कान्तिकराकलिकामल पाललते सकल विलास कलानिदया कमके निचलत कलहंसकुले अलिकुल संकुल
मंगल मोर मिलत भगुराल कुले जय जय महिषा दुर मर्द निरंतक वर्दिनि सर मुरली रवनीत पूजित रचित गोकुल मंद मति निलित पुलिंद मनोहर मंदिर रचित शैलन कुंद गति निर्गुण भूत महाजवरी गण सद्गुण संस्कृत केलि तले जय जय हे महिषा दुर मर्द निरंतक वर्दिनि जल मोलि फलोर कुंभे जय जय महिमा गुरुमारे तारक संकर तारक संकर तारक सुन सुते सुन समाधि समान समाधि समान समाधि सुदादर से जय जय हे महिषा दुर्मर्द निरंतक शरण सुते कल कमल करुणा निलय परिवस्त योन निरंतु सुते आई कमले कमला निलय कमला निलया तक नमुनवे पदमेव परम परमेशमे जय जय हे महिषा दुर्मर्द निरंतक कणकद गुणरंग भुवन भय सखिन सले कुज कुंभ सली बल रंगानुभव तव चरणं चरणं गर्वाणि परमाणि निवास जीवन जय जय हे महिषा दुर्मर्द निरंतक कुलं बलैन्दुकुलं सकलं अनुकूलजते यम पुरोदपरिन्द्रियमुखीतमुखीतिरसोऽपिमुखीक्रियते जीवनाम तने भवती कृपया किमुपक्रियते जय जय हे महिषा दुर्मर्द निरंतक अब अंतिम प्रश्न निकाल लीजिए। अथ क्षमा प्रार्थना अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हरणि शङ्खया दासोऽयमिति मामत्वा क्षमस्व परमेश्वरि आवाहनं न जानामि मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी जगपूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे अपराधशतं कृत्वा जगदन्देति चोचरे यां गतिं समवापनोति न तां ब्रह्मादरासुरा सापराधोऽस्मि शरणं प्राप्तस्वां जगदम्बिके णिमणुकं जोम् यथेष्यसि तदा गुरु अज्ञानादिस्मृते व्रान्त्या जन्योनन्नधिकं कृतं तत्सर्वं क्षम्यतां देवि
सीता परमेश्वरी कामेश्वरी जगन माता सच्चिदानंद विग्रहे ध्यानार्चामि मां प्रीत्या प्रसीदा परमेश्वरी गुह्याति गुह्यगोत्रीत्वं गृहाणास्मत्कृतं जपं चित्तिर्भवतु मे देवी त्वत्प्रसादासुरेश्वरी हे मई मेरी सच्चिया ज्योता वाली माता तेरी सदा ही जय बोल सांचे दरबार की जय। तो धर्म प्रेमी भक्तजनों इस प्रकार मां भगवती जगजननी वैष्णो देवी जी के चरणों में बैठकर हम सब ने भक्ति भाव से मां भगवती की स्तुति की पाठ किया। मां भगवती से हम यही प्रार्थना करते हैं कि हे मां भगवती हमारे द्वारा किया गया जय स्तुति पाठ इसे आप प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और हमें अपना आशीर्वाद दो। इस स्तुति पाठ में किसी भी प्रकार की हमारे द्वारा कोई त्रुटि रह गई हो तो अज्ञानी बालक जानकर क्षमा दान दो। इस प्रकार का मन में भाव करते हुए सभी भक्तजन एक स्वर से श्रद्धा पूर्वक मां के चरणों का ध्यान करते हुए हृदय से ओंकार अक्षर का 3 बार नाद करेंगे। सब मिलकर के बोलेंगे सांचे दरबार की। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। विद्वज योगी जन कामनाओं की पूर्ति एवं मोक्ष की प्राप्ति हेतु ओंकार नित्य प्रति ध्यान करते हैं। सृष्टि के आदि एवं अंत में ओंकार अक्षर का ही गुंजायमान होता है। ओंकार में समस्त देवतागण विद्यमान रहते हैं। आ ऊ और मां के रूप में ब्रह्मा विष्णु महेश सदैव इसमें वास करते हैं। तो इस समय मां भगवती जगजननी वैष्णो देवी जी की आरती का पवित्र समय है। मां भगवती इस दिव्य गुफा के अंदर 3 प्राकृतिक दिव्य पिंडियों के रूप में विराजमान हैं। मां भगवती की पिंडी का 5.5 फुट के लगभग आकार है और चरणों से चरण गंगा रूपी निर्मल जलधारा सदैव प्रवाहित होती रहती है, जिनके चरण जल से हम स्नान आदि करके मां भगवती के दर्शनों के लिए मां के चरणों में उपस्थित होते हैं। मां भगवती अपने नाम एवं गुणानुसार आए हुए शरणागत भक्तजनों को 3 प्रकार के आशीर्वाद प्रदान करती हैं, शक्ति ज्ञान और ऐश्वर्य, जिनके द्वारा हम अपना जीवन जो है भली भांति व्यतीत करते हैं।
क्योंकि बिना शक्ति के हम इस संसार में एक भी पल टिक नहीं सकते और बिना धन के हमारा जीवन जो है वह बहुत ही कठिन हो जाता है और बिना बुद्धि के बिना ज्ञान के हम संसार में अच्छे बुरे की पहचान नहीं कर सकते। इसलिए इन तीनों सिद्धियों की प्राप्ति के लिए इन तीनों आशीर्वाद के लिए माँ भगवती के चरणों में हम उपस्थित होते हैं और माँ भगवती हमें इस प्रकार के आशीर्वाद से कृतकृत्य करती हैं। माँ भगवती इस संसार में शक्ति के रूप में विद्यमान हैं, कण कण में उसकी शक्ति व्याप्त है और उसकी शक्ति के बिना एक पत्ता भी अपने स्थान से नहीं हिल सकता। हमारे शरीर के अंदर भी उसी की शक्ति का अंश है और जितने भी संसार में जड़ चेतन प्राणी हैं सब में उसी की शक्ति संचालित है और उसी के द्वारा वह सब जीव जो हैं वह संचालित होते हैं और अपने अपना कार्य करते हैं। तो भक्तजनों इस समय माँ भगवती की आरती का समय है। हम माँ भगवती की आरती करते हैं, किस लिए करते हैं और आरती क्यों करनी चाहिए, इसमें एक विज्ञान छुपा हुआ है। शास्त्रों में कहा है आत्मना सकाशात आकाशा आकाशात वायु वायु रग्नि अग्निरापा अद्व्या पृथ्वी। अर्थात जब हम आरती करते हैं तो उस समय हम उन पांच तत्वों की पूजा करते हैं जिनसे जे सारा ब्रह्मांड निर्मित हुआ है। पृथ्वी जल वायु आकाश और अग्नि। तो आत्मना सकाशाद आकाशा, सबसे पहले उस परमात्मा के अंश से आकाश की उत्पत्ति हुई और आकाशाद वायु, आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई, वायु अग्नि और वायु से अग्नि की उत्पत्ति हुई और अग्निरापा अग्नि से जल की उत्पत्ति हुई और अद्व्या पृथ्वी और जल से इस पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार ये क्रमशः पांच तत्वों की उत्पत्ति हुई और इन्हीं पांच तत्वों के द्वारा इस पृथ्वी पर सृष्टि का निर्माण कार्य आरंभ हुआ। भगवान की सृष्टि इन पांच तत्वों से हुई। उसके बाद जब मनुष्य ने इसे आगे बढ़ाया और जो भी आविष्कार किए उनमें भी इन्हीं पांच तत्वों का जो है सहयोग है। हम कोई भी वस्तु बनाते हैं उसमें ये पांचों तत्व आवश्यक हैं। हम अगर कोई मकान बनाते हैं तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, खाली जगह चाहिए। तो यही जो खाली जगह है ये आकाश तत्व है और उसके बाद हम जब मकान का निर्माण करते हैं तो उसे सुखाने के लिए वायु की भी आवश्यकता पड़ती है, अग्नि की भी आवश्यकता पड़ती है, सूर्य के तेज से वह सूखता है और जल की भी आवश्यकता पड़ती है
और पृथ्वी के बिना हम अपना मकान नहीं बना सकते, और पृथ्वी तत्व भी आवश्यक है क्योंकि बिना आधार के हम उस पर कोई भी निर्माण नहीं कर पाते। इसलिए हम जीवन में कोई भी आविष्कार करते हैं तो इन पांच तत्वों की हमें आवश्यकता पड़ती है, और इनके बिना कुछ भी निर्माण कार्य जो है संभव नहीं है। तो सबसे पहले हम आरती के समय क्या करते हैं, शंख बजाते हैं, देवताओं का आवाहन करते हैं। तो शब्द जो है शंख से शब्द होता है, और आकाश का जो गुण है वह शब्द है, क्योंकि बिना आकाश के हमारा शब्द जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकता। तो शब्द के द्वारा हम उस आकाश तत्व की पूजा करते हैं कि जे आकाश तत्व जो है हमारे इस सृष्टि पर सदैव विद्यमान रहे, इसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी ना आए, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर भी जो खाली स्थान है वह आकाश तत्व है, और बिना आकाश तत्व के हम कुछ भी खा पी नहीं सकते, बोल नहीं सकते। उसके बाद हम चमर धुलाकर अपने आराध्य की, अपने इष्ट देव की उस वायु के द्वारा पूजा करते हैं। तो वायु तत्व से, क्योंकि बिना वायु के हम इस संसार में एक पल भी टिक नहीं सकते। अगर वायु एक पल के लिए भी गति रोक दे तो हमारे प्राण संकट में आ जाते हैं। इसलिए चमर डुलाकर वायु तत्व के द्वारा हम उस आराध्य की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं कि ये वायु तत्व इस सृष्टि पर हमारे अनुकूल जितना हमें चाहिए उतना हमें प्राप्त होता रहे, क्योंकि कोई भी तत्व जो है कम या अधिक होगा तो हमारे प्राण तब भी संकट में आ जाते हैं। तो इस प्रकार वायु तत्व सबको समान रूप से प्राप्त हो, सृष्टि पर जितने भी जीव हैं उन सबको ये वायु समान रूप से प्राप्त होती रहे। वायु अग्नि, और वायु के बाद वायु से अग्नि की उत्पत्ति हुई। तो हम आरती जलाकर, दीप जलाकर हम मां भगवती के चरणों में उसके द्वारा पूजा करते हैं, उसे घुमाकर। जे मन में हम भाव करते हैं कि हे मां, जे जो अग्नि तत्व है जे इस सृष्टि पर समान रूप से सबको प्राप्त होता रहे, क्योंकि बिना अग्नि तत्व के ये सृष्टि संभव नहीं है। हमारे अंदर जो अग्नि है, जो गर्माहट है, वह अग्नि तत्व का अंश है, और जब तक हमारा शरीर गर्म है तो कार्य कर रहा है, जब ये ठंडा पड़ जाता है, अग्नि तत्व इससे एक पल के लिए भी अलग हो जाए तो हमारे प्राण संकट में आ जाते हैं। या अग्नि तत्व अधिक हो जाए तो हमारा ताप जो बढ़ जाता है उसके कारण भी हमारे प्राण संकट में आ जाते हैं। इसलिए अग्नि तत्व के द्वारा हम मां की आराधना करते हैं, अपने इष्ट की आराधना करते हैं कि जे इस संसार में समान रूप से विद्यमान रहे। अग्नि जो है सदैव ऊपर की ओर उठती है। इसका कारण क्या है? क्योंकि हर चीज का जो अंश है वह अपने अंशी की ओर
उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है। हमारे अंदर जो आत्मा है वह परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, उसमें मिलने के लिए प्रयास करती है। इसी प्रकार अग्नि का अंशी जो है वह सूर्य है और अग्नि सूर्य की ओर प्रयास करती है उससे मिलने का। और अग्नि जो ऊपर की ओर उठती है, हम ये भाव करते हैं कि हे माँ, जिस प्रकार अग्नि ऊर्ध्वगति को प्राप्त होती है, हमारा जीवन भी सदैव उन्नत हो और हम दिन प्रतिदिन उन्नति की ओर आगे बढ़े। अग्नि के बाद हम जल घुमाकर शंखी में जल से अपने आराध्य की पूजा करते हैं। उस समय हम जे भाव करते हैं कि जे जो जल है ये सबको समान रूप से प्राप्त होता रहे, क्योंकि बिना जल के भी हमारे प्राण संकट में आ जाते हैं। इस सृष्टि पर जल अधिक होगा या कम होगा, तब भी हमारे प्राण संकट में आ जाते हैं। तो इसलिए माँ भगवती से हम प्रार्थना करते हैं कि जे जो जल तत्व है जे सबको समान रूप से और स्वच्छ जल जो है ये प्राप्त होता रहे, इसमें कभी भी कोई प्रदूषण ना आए, क्योंकि स्वच्छ जल ही हमें जीवन देता है और प्रदूषित जल जो है हमें हानि पहुंचाता है। इसलिए माँ भगवती से ये प्रार्थना करते हैं कि ये स्वच्छ जल सब प्राणियों को सब जीवों को प्राप्त होता रहे। उसके बाद हम जमीन पर लेटकर माँ भगवती को, इस पृथ्वी को प्रणाम करते हैं। तो उस समय हम इस पृथ्वी तत्व की पूजा करते हैं और माँ भगवती से हम प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, ये आपका स्वरूप ये पृथ्वी माँ सदैव इस संसार में सबका आधार बनी रहे, क्योंकि बिना आधार के हम कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। इसलिए ये हमारे नीचे पृथ्वी तत्व सदैव विद्यमान रहे, ताकि हम सत्कर्म करते हुए अपना जीवन यापन करते रहें। तो इस प्रकार हम पांच तत्वों के द्वारा हम अपने आराध्य की पूजा करते हैं और सब पूरे ब्रह्मांड के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि ये पांच तत्व सदैव बने रहें। इस प्रकार हम आरती का क्रम करते हैं, आरती करते हैं। आरती का वैज्ञानिक महत्व यही है। बोल सांचे दरबार की जय। तो हम संसार में आकर अगर हमने ज्ञान प्राप्त नहीं किया, आराधना नहीं की, तप नहीं किया, तो हमारा इस संसार में आना व्यर्थ है। श्रोत्रम श्रुतनेव न कुंडलेन दानेन पाणिर्नक्तु कंकणेन विभाति काया करुणा पराणाम परोपकारेन न तु चंदनेन। शास्त्रों में कहा गया है कि श्रोत्र हमारे कान जो है हमें प्राप्त हुए हैं, ये हमें किस लिए प्राप्त हुए हैं? ये भगवान का सत्संग सुनने के लिए, कथा सुनने के लिए, भजन सुनने के लिए, अच्छी अच्छी बातें सुनने के लिए। बुरी बातों के समय हमें कान बंद कर देने चाहिए और सदैव उस भगवान की कथा वार्ता हमें इन कानों से अगर सुनते रहेंगे तो हमारा कल्याण होगा। इनकी शोभा तभी है जब हम कथा वार्ता हरि कीर्तन सुनेंगे। और इनकी शोभा जो है स्वर्ण के कुंडल आदि पहनने से नहीं होती।
हमें हाथ प्राप्त हुए हैं इनसे हम दूसरों की सेवा सहायता करें, इनकी शोभा स्वर्ण के कंकण आदि से नहीं है, इनकी शोभा दान पुण्य करने से है, सत्कर्म करने से है। हम अगर अपने हाथों से जितना दान करेंगे, जितना पुण्य करेंगे, दूसरों की सेवा सहायता करेंगे तो हमारा कल्याण होगा। विभाति काया करुणा पराणाम परोपकारेन न तु चंदनेन। हमें जो शरीर प्राप्त हुआ है इसे दुष्कर्मों को करने के लिए नहीं प्राप्त हुआ है, ये शरीर चंदन इत्यादि लगाने से इसकी शोभा नहीं बढ़ती, इसकी शोभा परोपकार करने से बढ़ती है, दूसरों की सेवा सहायता, दूसरों के दुख में शामिल होने के लिए, दुख में उनकी सहायता करने के लिए ही ये हमें शरीर प्राप्त हुआ है। इसलिए हम इस शरीर के द्वारा सदा अच्छे कर्म करें, सत्कर्म करें, दूसरों की सेवा सहायता करें तो हमारा भी कल्याण होगा। तो इस समय हम माँ भगवती के चरणों में बैठे हुए हैं और माँ की आरती का समय है और अपनी जिह्वा को हम पवित्र करेंगे माँ के भजनों के द्वारा। तो सब मिलकर के साथ देंगे माँ के भजनों में। मैं सर्वप्रथम निवेदन कर रहा हूँ श्री मनिंदर जी से, वह अपना एक भजन माँ के चरणों में प्रस्तुत करेंगे। श्री मनिंदर जी। जय कारा शेरवाली जी का सच्चे दरबार की जय। सज धज कर बैठी माँ, सज धज कर बैठी माँ और मंद मंद मुस्काए। सज धज कर बैठी माँ और मंद मंद मुस्काए। सज धज कर बैठी माँ और मंद मंद मुस्काए। सज धज कर बैठी माँ और मंद मंद मुस्काए। आओ नजर उतारे मैया की, आओ नजर उतारे मैया की, आओ नजर उतारे मैया की, आओ नजर उतारे मैया की। कहीं माँ को नजर ना लग जाए, कहीं माँ को नजर ना लग जाए, कहीं माँ को नजर ना लग जाए, कहीं माँ को नजर ना लग जाए। सज धज कर बैठी माँ और मंद मंद मुस्काए। सज धज कर बैठी माँ और मंद मंद मुस्काए। सज धज कर बैठी माँ और मंद मंद मुस्काए। सज धज कर बैठी माँ और मंद मंद मुस्काए। भक्तों की नजर ना लग जाए, भक्तों की नजर ना लग जाए, भक्तों की नजर ना लग जाए, भक्तों की नजर ना लग जाए। सज धज कर बैठी माँ और मा
Yeah.
कहीं खुद की नजर ना लग जाए, कहीं खुद की नजर ना लग जाए, कहीं खुद की नजर ना लग जाए, कहीं खुद की नजर ना लग जाए। लज लज कर बैठी माँ और मंद मंद मुस्काए, लज लज कर बैठी माँ और मंद मंद मुस्काए, लज लज कर कर बैठी माँ और मंद मंद मुस्काए। जयकारा शिरोमन जी का बोल, सांझे दरबार की जय। अब मैं निवेदन कर रहा हूँ श्री सुरेश जी से, वे अपना एक भजन माँ के चरणों में प्रस्तुत करेंगे। सुरेश जी, जय करा मेरी शेरावाली मैया जी दा बोल, सच्चे दरबार की जय। जग जननी मेरी माँ, करो मेहरा दीछा। जग जननी मेरी माँ, करो मेहरा दीछा।
कोई खड़ा
जननी मेरी माँ करो मेहरा दीछा श्री जयपाल जी से वह अपना एक भजन मां के चरणों में प्रस्तुत करेंगे। जयपाल जी जयकारा शिरावली दास बोल सच्चे दरबार की जय। मैया जी मेरा जी कर दा मैया जी मेरा जी कर दा आहा मैया जी मेरा जी कर दा मैया जी मेरा जी कर दा तेरे दर दी खाक हो जावा और तेरे दर दी खाक हो जावा मैं चरणी लग के पाक हो जावा मैया जी मेरा जी कर दा 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 तेरे दर दी खाक हो जावा तेरे दर दी खाक हो जावा मैं चरणी लग के पाक हो जावा मैया जी मेरा जी कर दा 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 आहा मैया जी मेरा जी कर दा मैया जी मेरा जी कर दा आहा मैया जी मेरा जी कर दा मैया जी मेरा जी कर दा जन्म गवाए मैया जी तेरे दर्शन मैं लखा ही जन्म गवाए मैया जी तेरे दर्शन मैं मुड़ मुड़ जग विच आवा दती जी तेरे दर्शन मैं मुड़ मुड़ जग विच आवा दती जी तेरे दर्शन मैं लखा ही जन्म गवाए मैया जी तेरे दर्शन मैं लखा ही जन्म गवाए मैया जी तेरे दर्शन मैं मुड़ मुड़ जग विच आवा दती जी तेरे दर्शन मैं मुड़ मुड़ जग विच आवा दती जी तेरे दर्शन मेरे नैना दी प्यास बुझा दे मेरे नैना दी प्यास बुझा दे भवानी मैनू खैर जीत दी पावे मैया जी मेरा जी करदा 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 तेरे दर दी खाक हो जावा मैं तेरे दर दी खाक हो जावा मैं
चरणी लग के पाक हो जावा मैया जी मेरा जी करदा 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 तार पार कर भेड़ी हमें भव सागर जो तार
सागर तू तार पार कर बेड़ी में सागर जो तार पार कर बेड़ी में तू कर मेरा उद्धार शरण आया मैं तू कर मेरा उद्धार शरण आया मैं रह जोश मदर्द भिखारी भिखारी तेरे चरण कमल का पुजारी मैया जी मेरा जी करदा 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 तेरे दर दी खाक हो जावा मैं तेरे दर दी खाक हो जावा मैं चरनी लग के पाक हो जावा मैया जी मेरा जी करदा मैया जी मेरा जी करदा खाक हो जावा चरनी लग के पाक हो जावा मैया जी मेरा जी करदा मैया जी मेरा जी करदा आहा मैया जी मेरा जी करदा मैया जी मेरा जी करदा आहा मैया जी मेरा जी करदा मैया जी मेरा जी करदा आहा मैया जी मेरा जी करदा मैया जी मेरा जी करदा जयकारा शेरावाली जय बोल सच्चे दरबार की जय ओम गजाननम भूतगणादि सेवितम कपित्तजम्बो फलचारुर्वक्षणम उमासुतम शोक विनाश कारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम सिंहस्था शशि शेखरामरकत प्रख्यैश्चतुर्भिर्भुजै शङ्खं चक्रधनुशरांश्च ददति नेत्रैस्त्रिभिशोभिता आमुक्ताङ्गदहारकङ्कणरण काञ्चीरणन्नूपुरा दुर्गा दुर्गतिहारिणी भवतु नो रत्नोलसत्कुण्डला सर्वमङ्गलमङ्गले शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तु ते हे माई मेरी सच्चिया जोता वाली माता तेरी सदा जय बोल सांचे दरबार की जय आज का पंचांग है शुभ संबत 2075 फाल्गुन मास की प्रविष्टि 10 है फाल्गुन कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि हस्त नक्षत्र है शूल योग विष्टिकर्ण तदनुसार 22 फरवरी 2019 शुक्रवार के दिन प्रातःकाल आरती के समय मां भगवती की अपार कृपा से हमें माँ भगवती के चरणों में बैठकर स्तुति करने का सत्संग करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। माँ भगवती से हम यही प्रार्थना करते हैं कि हे माँ आज हमारे द्वारा जो आपके चरणों में बैठकर जो स्तुति की गई है सत्संग किया गया है इसे आप प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करते हुए हमें अपने आशीर्वाद से कृतकृत्य करो। मां भगवती की ओर से आप सब भक्तों को भूरी भूरी आशीर्वाद आयुष्मान भव संततिवान भव श्रीमान यशस्वी भव प्रज्ञावान भव भूरी भूरी भव श्री शंभोर भव पाद पूजन रता सर्वोपकारी भव मंत्रार्था सफला संतो पूर्णा संतो मनोरथा शत्रुणां बुद्धिनाशोस्तु मित्राणां उदयस्तव मां भगवती आप शरणागत भक्तजनों की दीर्घायु करें आप संतान से युक्त हों
धन धान्य से परिपूर्ण हो, यशस्वी हो, विद्वान हो, अनेक प्रकार की दान पुण्य करने में आपकी सामर्थ्य बनी रहे, आप तेजस्वी बने, आपके शत्रुओं का नाश हो, दिन प्रतिदिन आप उन्नति को अग्रसर हो और मां भगवती सदैव आप भक्तों पर इसी प्रकार अपनी कृपा बनाए रखे, आपका तथा आपके परिवार का कल्याण हो, मंगल हो। बोल सांचे दरबार की जय। तो इस समय मां भगवती की आरती की बेला है, सभी भक्तजन बड़े भक्ति भाव से मां भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए मां की आरती गाएंगे, सब मिलकर के बोलेंगे ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल करनी मैया जय आनंद करनी कोनी जाव मैया जी कोनी दिन जावत हरि ब्रह्मा भैरो बाजत तार मृदंगा और
सुख संपत्ति करता ओम जय अम्बे गौरी भुजाचार अति शोभित पर मुद्रा धारी मैया भर मुद्रा धारी वनवासित फल पावत वनवासित फल पावत दरबार की जय क्षमा करो अपराध शरण माया क्षमा करो अपराध शरण माया माता वैष्णो द्वार मशीष झुकाया माता वैष्णो द्वार मशीष झुकाया देवों के सब संकट तारे सब संकट तारे रक्त बीज मधु के तब मारे रक्त बीज मधु के तब मारे शुंभन शुंभ असुर संगारे शुंभन शुंभ असुर संगारे किया भगत कल्याण शरण माया किया भगत कल्याण शरण बालकपन के लो में गवाया बालकपन के लो में गवाया यौवन विषयों में भरमाया यौवन विषयों में भरमाया बूढ़ापन कुछ काम न आया बूढ़ापन कुछ काम न आया जीवन सफल बनाओ शरण माया बनाओ शरण माया क्षमा करो अपराध शरण माया क्षमा करो अपराध शरण माया धर्म मार्ग मुझको न सुहाते धर्म मार्ग मुझको न सुहाते सदा कुमार मुझको भाते सदा कुमार चंचल तेरा ध्यान न करता मन चंचल तेरा ध्यान न करता बड़ा चपल नादान शरण माया बड़ा चपल नादान शरण माया क्षमा करो अपराध शरण माया क्षमा करो अपराध शरण ठुकराया घर बाहर से हूँ ठुकराया विषयों में भटका
दाता शरण माया हो विषय सर्प मन दशा शरण माया क्षमा करो अपराध शरण माया हो क्षमा करो अपराध शरण माया हो मां भक्तों को तुमने तारा मां भक्तों को पुत्र सारथ रथ न्यारा पुत्र को पुत्र जगत में होते पुत्र को पुत्र जगत में होते माता देखे उन्हें न रोते माता देखे उन्हें न रोते वैष्णो कर कल्याण शरण माया हो वैष्णो कर कल्याण शरण माया क्षमा करो अपराध शरण माया सांचे दरबार की जय। इस समय परम पूज्य पुजारी जी माँ भगवती की पूजा करके गुफा द्वार पर पधार चुके हैं। इस दिव्य गुफा का पूजन करेंगे, अखंड ज्योति का पूजन होगा, उसके उपरांत माँ भगवती की आरती उतारी जाएगी। आरती आप सब भक्तों के बीच में आएगी। शांति पूर्वक बैठे बैठे आरती की वंदना करेंगे, तब तक माँ भगवती के नाम का संकीर्तन करेंगे। सब मिलकर के बोलेंगे, प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, जल मिल बोलो जय माता दी, खीरा वाली जय माता दी, काड़ा वाली जय माता दी, गुफा वाली जय माता दी, दुनिया वाली जय माता दी, गोलिया वाली जय माता दी, ज्योता वाली जय माता दी, बाबा काली जय माता दी, गब्बर वाली जय माता दी, शक्ति देवी जय माता दी, लक्ष्मी मैया जय माता दी, गरुड़ सवारी जय माता दी, गोरे खजाने जय माता दी, सोला जय माता दी, सरस्वती माँ जय माता दी, हंसद्वारी जय माता दी, विद्या दिंदी जय माता दी, ज्ञान दिंदी जय माता दी, भक्ति दिंदी जय माता दी, डोलिया पर्दी जय माता दी, 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 सारे बोलो जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, फेरा वाली जय माता दी, भाड़ा वाली जय माता दी, गुफा वाली जय माता दी, दुनिया वाली जय माता दी, डोली वाली जय माता दी, ज्योता वाली जय माता दी, बाबा काली जय माता दी, पर वाली जय माता दी, शक्ति दिंदी जय माता दी, गरुड़ सवारी जय माता दी, हरे खजाने जय माता दी, सोलायाने जय माता दी, सरस्वती माँ जय माता दी, विद्या दिंदी जय माता दी, ज्ञान दिंदी जय माता दी, भक्ति दिंदी जय माता दी, शक्ति दिंदी जय माता दी, डोलिया पर्दी जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, फेरा वाली जय माता दी, जया वाली जय माता दी, भाड़ा वाली जय माता दी, गुफा वाली जय माता दी, दुनिया वाली जय माता दी, ज्योता वाली जय माता दी, 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 बोल बोल जगा शेरा वाली दा, बोल सच्चे दरबार की जय, बोल सांचे दरबार की जय। तो इस समय सभी भक्तजन माँ भगवती के चरणों का ध्यान करके माँ से हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे। ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम, ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि मे परमं सुखं, देहि मे परमं सुखं, रूपं देहि जयं देहि, रूपं देहि जयं देहि, यशो देहि दिशो जहि, यशो देहि दिशो जहि, शरणागत दीनार्थ, शरणागत दीनार्थ, परित्राण परायणे, परित्राण परायणे, सर्वस्यार्ति हरे देवी, सर्वस्यार्ति हरे देवी, नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि
पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्तिः शान्तिः सभी भक्तजन शांतिपूर्वक बैठे बैठे आरती का आनंद लेंगे। अब परम पूज्य पुजारी जी आरती आरंभ करते हैं। जय माता की। प्रथमे गुरु जी को वंदना, द्वितीय आद गणेश, तृतीय सिमरन शारदा, मेरे कार्य करो हमेश। जय आनंदी आनंद करो कल्याणी कल्याण, मई हाथ पैर जो सतगड़ी जो चरणा दा प्राण। जय महाकालिगां जामतो दुविदे अलौ कमलजौ
हंसम मधु केशवम अक्षार परशुम गलेशुकुलिशम परमंदनुष्कुंडिका दंडम शक्तिमसिम्ब धर्म जलजम घंटा सुरावाजनम चूलम आज सुदर्शने सुदर्शने हस्ते प्रसन्नारणाम सेवे सेवम मर्मनि लक्ष्मी सरोजस्तिगाम गंडा शूलहलाय संगम सुरे चक्रम धनुषायकम अक्षादेकल्पिंकलाष्पकिलम् शीताचलयाप्रवाम घोरे देव समुद्धवाम किलकम् आधार भूतामाम् शुम्भादिरित्तायिनी तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव विद्या धनम् तुमेव शान्ताकारम् पदमनाजम् सुरेशम् विश्वादारम् गगनचर्यम् मेघवर्णम् सुवर्णम् लक्ष्मीकांतम कमलदेवम योगि विद्यानगम वंदे विष्णु भवरम सर्वलोकैकनाथम सत्यम केशवम रामनारायणम कृष्णदामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी जयकुम श्रीरामचंद्रम हरे हरे मुरारे मुरारे द्वारे गोविंद गोपाल मसुम की जोरे ज्ञानम प्रदेहि शरणम प्रदेहि विद्या प्रदेहि भगवन नमस्ते सत्या ज्योता वाणी माता तेरी सवार रानी माता तेरी सवार चंद्रदाबला चंद वाली माता तेरी सवार संसार शांति देने वाली माता तेरी सवार बुला चुका माफ करने वाली माता तेरी सवार रोम करा भी ठागो तेरी सवार बोलो सच्चे दरबार की धर्म की धर्म की धर्म की अधर्म का अधर्म का अधर्म का प्राणियों में विश्व का भारत वर्ष हर हर महादेव बोलो बाबा शिव की सनातन धर्म की गौ माता की जय बोलो सच्चे दरबार की जय पूज्य गुरु महाराज की जय पूज्य माता पिता की जय बोलो सच्चे दरबार की माता रंजी का आशीर्वाद प्राप्त हो, सबकी मनोकामना पूरी हो। जगरा शरण वाली दा ओम दुराधि माह आदम आदम हत्तर अर्जम गए आज मुसलमानी सारी मुसलमानी ओम दुराधि नमः मंगल मंगले शिव सुराधिते ओम दसम जालपुत्री चुती ब्रह्मचारिणी तृतीय चंद्रघंटे कूष्मांडे पंचमी सप्तम कालरात्रि महागौरी नमं
No,